हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 9 खनिज पर। YouTube पर काफ़ी लंबे टाइम गैप के बाद आज वीडियो अपलोड हो रहा है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का। लास्ट वीडियो हमारा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का आया था, वो भी अगस्त मंथ का, और सितंबर मंथ का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर 15 डेज का वीडियो आना अभी बाकी है। छत्तीसगढ़ का पूरा अगस्त महीने का करंट अफेयर आपका YouTube पर अपलोड नहीं हुआ है, तो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पूरे सितंबर मंथ का एक साथ और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर अगस्त और सितंबर मंथ दोनों का कंप्लीट वीडियो इस मंथ के एंड तक आ जाएगा। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का टॉपिक भी हमारा काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसे भी आगे बढ़ाना जरूरी है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण की वीडियो को भी अभी हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर होंगे। मैं थोड़ा सा निजी कार्यों में व्यस्त होने के कारण यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वीडियो जिस प्रकार से पहले वीडियो आते थे उसी प्रकार से यूट्यूब पर अब वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, देखिए अध्याय 9 खनिज। सबसे पहले खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का जीएसडीपी में भागीदारी वित्तीय वर्ष 2023-24 स्थिर कीमतों पर या स्थिर भाव पर। स्थिर कीमत क्या होते हैं, प्रचलित कीमत क्या होते हैं, इसे हम प्रीवियस आर्थिक सर्वेक्षण के क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के अगर जीएसडीपी का आकार पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी का आकार है 3,21,94,473 करोड़ रुपए। ये छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी का आकार है। ठीक है, जिसमें से खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की भागीदारी है 31,80,704 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ का स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी का आकार कितना है, 3,21,94,473 करोड़ रुपए। ये छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी का आकार है, जिसमें से 31,80,704 लाख रुपए की भागीदारी इस खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का है छत्तीसगढ़ के इस जीएसडीपी में। ठीक है, अगर पिछले वित्तीय वर्ष के से हम तुलना करें तो पिछले वित्तीय वर्ष के कंपैरिजन में 2023-24 में इस खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में 7.35% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में आपके 7.35% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर जीएसडीपी में भागीदारी परसेंटेज में पूछा जाए, मूल्य में कितना है, मूल्य में है 31,80,704 लाख रुपए। अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो परसेंटेज में छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी का 10.52% भागीदारी इस खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की है। ठीक है, इसमें जितने डाटा दिए गए हैं, मूल्य कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितना प्रतिशत का भागीदारी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। स्पेशली खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का जो डाटा है ना, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है। ठीक, अब कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं नीचे तरफ, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। सबसे पहला पॉइंट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय। छत्तीसगढ़ में अलग अलग सोर्स है रेवेन्यू के। ठीक है, आय के जो है अलग अलग सोर्स है, कुछ टैक्स के माध्यम से आते हैं, इनकम टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स यानी कि आपका भू राजस्व आता है, इसके अलावा जीएसटी के माध्यम से अलग अलग सरकार के आय के स्रोत है। इसमें खनिजों से प्राप्त राजस्व आय, हमारे छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग प्रकार के खनिजों का उत्खनन होता है, कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट, उसके अलावा बहुत सारे आपके गौड़ खनिज भी है, तो उन खनिजों से प्राप्त राजस्व आय वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात हो रही है। देखिए, हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है 2023-24, लेकिन यहां पर आंकड़ा दिया गया है 2022-23 का, इसको लेकर कंफ्यूज मत होना। आपके जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी एक साल पहले का ही डाटा दिया गया है। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ में खनिजों से प्राप्त, ठीक है, खनिजों से प्राप्त राजस्व आय कितना है, 12,941.33 करोड़ रुपए। ये खनिजों से प्राप्त राजस्व आय है। तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में यानी कि उससे एक साल पहले छत्तीसगढ़ में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय था 12,305.38 करोड़ रुपए। ये दोनों साल को आपको याद रखना है।
ठीक है, जरूरी नहीं कि आपसे 23-24 का ही आंकड़ा पूछे या 22-23 का ही आंकड़ा पूछे, थोड़ा सा और पीछे के ईयर में जाकर के पीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आप कम से कम ये दो ईयर के आंकड़े याद रखिएगा। 2022-23 में छत्तीसगढ़ में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय था 12,941.33 करोड़ रुपए, और उसके एक साल पहले 2021-22 में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय था 12,305.38 करोड़ रुपए। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक की स्थिति में, ठीक है, देखिए जनरली क्या होता है, जो वित्तीय वर्ष है यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक आपका एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि एक वित्तीय वर्ष कहलाता है। लेकिन यहां पर आपका महीना मेंशन किया है, ये कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर नहीं है। यहां पर क्या दिया है, अप्रैल 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक, जबकि वित्तीय वर्ष कंप्लीट होता अप्रैल 2022 से लेकर के मार्च 31 मार्च 2023 को एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता। ठीक, तो यहां पर महीना स्पेसिफाई पहले से कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिजों का मूल्य देश के कुल खनिज मूल्य का 15.07% है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। अब यहां पर जो वर्ड बोल रहा है उस वर्ड को ध्यान समझना, छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिजों का मूल्य देश के कुल खनिज मूल्य का 15.07% है। इसका मतलब क्या है, हमारे देश में अलग अलग राज्यों में खनिज का उत्पादन होता है। खनिज उत्पादित राज्यों की अगर हम बात करें तो आपका झारखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान, कर्नाटक, ये हमारे देश के कुछ प्रमुख खनिज उत्पादित राज्य है। तो भारत के अलग अलग राज्यों से जो खनिज का उत्पादन होता है और उस उत्पादित खनिज का जो मूल्य है उसके कंपैरिजन में हमारे छत्तीसगढ़ के में उत्पादित खनिजों का मूल्य बताया जा रहा है। ठीक है, वर्डिंग को समझना, छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिजों का मूल्य यानी कि छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग प्रकार के खनिज उत्पादित होते हैं, कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, डोलोमाइट, ये जो अलग अलग प्रकार के खनिज उत्पादित होते हैं उनका जो मूल्य है वो देश के कुल खनिज मूल्य का 15.07% है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में यानी कि एक साल और पहले की बात हो रही है, 21-22 में छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिजों का मूल्य देश के कुल खनिज मूल्य का 17.34% था। ठीक है, दो ईयर की यहां बात हो रही है, एक 22-23 जो कि कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर नहीं है, जनवरी से आपका अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में उत्पादित कुल खनिज मूल्य देश के कुल खनिज मूल्य का 15.07% रहा। ठीक है, जबकि उसके एक साल पहले 2021-22 में छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिजों का मूल्य देश के कुल खनिज मूल्य का 17.34% था। ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय का लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। ये जब 27% है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 से 6 बार आया हुआ है और ये जो परसेंटेज है ये आज तक चेंज ही नहीं हुआ। जब से मैं आर्थिक सर्वेक्षण बढ़ा रहा हूं तब से ये 27% ही है। ठीक है, इसे बोल क्या रहा है कि छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय का यानी कि छत्तीसगढ़ को जो अलग अलग सोर्स या अलग अलग स्रोतों से जो इनकम होती है, जो राजस्व आय की प्राप्ति होती है, जैसे आपको मैंने बताया आपका निगम कर हो गया, आपका जीएसटी से प्राप्त हो गया, आपके जो है इंपोर्ट टैक्स हो गए, अलग अलग टैक्स से सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है, इसको हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, सरकार के आय के साधन, तो जो आपके राजस्व आय प्राप्त होती है सरकार को, तो सरकार को प्राप्त होने वाले कुल राजस्व आय का लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। इसका मतलब सरकार जो है स्वयं से उसकी एक उसका एक उपक्रम है जो आपका छत्तीसगढ़ में उत्खनन करता है खनिजों का, जैसे कि आपके कोयले का उत्खनन होता है, लौह अयस्क का उत्खनन, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट, इसका उत्खनन होता है। तो ये जो आपके खनिजों का उत्खनन किया गया, उत्पादन किया गया, सरकार इन खनिजों को बेचेगी तो उससे क्या होगा, इनकम, राजस्व मिलेगा।
इसके अलावा आपका बैलाडीला की पहाड़ी, दंतेवाड़ा जिला, जहां पर एनएमडीसी के द्वारा लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। एनएमडीसी हमारे राज्य सरकार के अधिगृहित कंपनी नहीं है, एनएमडीसी नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि केंद्र सरकार के अधिगृहित कंपनी है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की भूमि में आकर के बैलाडीला की पहाड़ी से लौह अयस्क का उत्खनन करती है और उसे एक्सपोर्ट करती है जापान, ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार की कंपनी एनएमडीसी छत्तीसगढ़ में उत्खनन कर रही है, तो छत्तीसगढ़ के खनिज का दोहन उसका उत्पादन करने के एवज में वो देती है आपका रॉयल्टी, ठीक है। यानी कि आप एक प्रकार समझ सकते हैं कि एनएमडीसी को जो आपका बैलाडीला की पहाड़ी जहां पे लौह अयस्क का भंडारण है वो जमीन लीज पर दिया गया है, उससे रॉयल्टी एकत्र होता है, तो रॉयल्टी के माध्यम से स्वयं आपके आपका खनिजों का उत्पादन करके बेचते हैं तो उससे रेवेन्यू जनरेट। उसका और एक एग्जांपल अगर आपको दूं तो कोयले का उत्खनन किया जाता है, कोयले का उत्खनन करने के पश्चात कोयले को हमारे प्रदेश में आपके ताप विद्युत संयंत्र भी है, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कोयले को जला करके बॉयलर को गर्म करते हैं जिससे बॉयलर में मौजूद पानी स्टीम यानी भाप में बदलता है और उस स्टीम को हाई प्रेशर पर टर्बाइन के ब्लेड में छोड़ा जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो थर्मल पावर प्लांट के लिए रॉ मटेरियल क्या है, वो है आपका कोयला। तो कोयले का दोहन किसमें किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, तो यह कहा जा रहा है खनिजों का दोहन। कोयले को डायरेक्ट भी बेच करके रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और उस कोयले का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके जो उसको हम बेचेंगे उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसकी भी बात की जा रही है। तो यहां पर कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय का लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है, ठीक। नेक्स्ट, कुल राजस्व आय में मुख्य खनिज का हिस्सा 97% और गौण खनिज का हिस्सा 3% के आसपास है। अब मुख्य खनिज क्या होता है, गौण खनिज क्या होता है, आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन याद रखना मुख्य खनिज का हिस्सा कितना है छत्तीसगढ़ के में, जो आपका कुल राजस्व आय है उसमें मुख्य खनिज का हिस्सा 97% और आपके गौण खनिज का हिस्सा है 3%। वर्ष 2023-24 में विभिन्न खनिजों के कुल 25 ब्लॉक्स का आवंटन ई ऑक्शन के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। इस एक लाइन को अलग से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास। इसकी स्थापना कब हुई, यह अधिसूचित हुआ 22 दिसंबर 2015 को, डेट याद रखना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के विकास हेतु जिला खनिज निधि DMF डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड की व्यवस्था की गई है। DMF राशि खनिज रॉयल्टी का 10-30% DMF राशि के रूप में संग्रहित किया जाता है। अब यहां पर ये जो बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास, ये है क्या, खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्ति या एवं क्षेत्र के विकास के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि किसी एक क्षेत्र में किसी एक खनिज के भंडारण होने की पुष्टि की गई है और उस क्षेत्र में आबादी पहले से बसी हुई है, आबादी बसी हुई है और उनके गांव में ही खनिज के भंडारण होने की पुष्टि की गई है, तो उस क्षेत्र में खनिज का उत्खनन करने के लिए उस क्षेत्र में बसे हुए गांव के लोगों को हटाना होगा। लेकिन लोगों को अगर हम हटाएंगे तो उनसे, देखिए वहां पर उनकी पूरा जीवन, उनकी जो पूरी जीवन जो है वो उस क्षेत्र में बसा हुआ है और वहां पर जो है आपका खनिज भी है, तो खनिज उत्खनन करने से छत्तीसगढ़ राज्य का विकास होगा, लेकिन वहां पर बसे हुए लोगों को व्यवस्थापित करना है तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के उन्हें बसाएंगे, उन्हें मकान अलॉट करेंगे, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए उन्हें स्कूल प्रदान करेंगे, उन्हें बुनियादी आपकी अधोसंरचना उन्हें विकसित करके दिया जाएगा। तो खनन संक्रियाओं से जो भी व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, जो भी क्षेत्र प्रभावित हो रहा है उसके विकास के लिए खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु जिला खनिज निधि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की व्यवस्था की गई है, जो कि खनिज रॉयल्टी का 10-30% होता है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास की स्थापना की जा चुकी है। प्रदेश में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है, 33। सभी 33 जिलों में आपका इस जिला खनिज संस्थान न्यास की स्थापना की जा चुकी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम।
छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, ये छत्तीसगढ़ सरकार के अधिग्रहित आपके खनिज उत्खनन करने वाली कंपनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था NMDC नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि केंद्र सरकार के अधिग्रहित कंपनी थी, ये आपका छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिग्रहित कंपनी, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में खनिज उत्खनन का कार्य करती है। इसकी स्थापना 7 जून 2001 को इसकी स्थापना की गई। इसका जो भवन है, ठीक है, इसके भवन को कहा जाता है सोना खान, यानी कि जो इसका मुख्यालय है रायपुर में, उसका जो भवन है उसके भवन को कहा जाता है आपका सोना खान। वर्तमान में खनिज मंत्री कौन है पूछा जाए तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के खनिज मंत्री है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, ठीक है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो आपके मुख्यमंत्री सहित लगभग 13 मंत्रियों का कैबिनेट है। अभी कैबिनेट मंत्रियों में 2 पद खाली है, यानी कि टोटल 11 आपके कैबिनेट मंत्री है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों की अधिकतम संख्या 13 हो सकती है, जिसमें से 12 आपके कैबिनेट मंत्री वर्तमान में है, 2 और कैबिनेट मंत्री जल्द ही नियुक्त किए जाएंगे, ऐसे समाचार में आपका न्यूज़ अभी बना हुआ है, ठीक है। तो जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं उनके मध्य अलग अलग विभागों का बंटवारा होता है, जिसमें से खनिज विभाग वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के पास है। और पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम का अध्यक्ष कौन है, तो यह पद अभी रिक्त है और जल्द ही इस पद पर भी किसी न किसी एक विधायक को बैठाया जाएगा। देखिए जनरली क्या होता है, ये जो आपके निगम होते हैं, निगम कॉरपोरेशन, ये जो भी आपके अलग अलग प्रकार के आपके निगम हैं, करंट अफेयर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें हर कोई कि आपका विधायक चाहता है कि वो कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन जिन्हें कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाता, ठीक है, जिन विधायक को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया तो वो असंतुष्ट होंगे, तो उन्हें इन सारे निगम का अध्यक्ष बनाया जाता है। जनरली इसमें विधायक को ही, किसी न किसी एक विधायक को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसका भी सूची जल्द ही जारी होगा, ठीक है। अगर देखिए यहाँ तो अभी मैंने आपको रिक्त बताया, लेकिन करंट अफेयर की वीडियो को भी फॉलो करते हुए चलिएगा, अगर इसमें कोई नया अध्यक्ष बनाया जाएगा तो उस समय करंट अफेयर में आपको कवर कराऊंगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, खनन या खनिज क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की स्थिति। छत्तीसगढ़ का देश में स्थान खनिज उत्पादन मूल्य में 2nd स्थान पर है, आगे आपको बताता हूँ। सर्वाधिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में खनिज राजस्व प्राप्त, सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है कोयला से। हमारे प्रदेश में जो मुख्य खनिज की अगर हम बात करें तो कोयला, लौह अयस्क, ये मुख्य खनिज है, तो सर्वाधिक जो आपका खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है वो कोयले से प्राप्त हुआ है। और सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त किस जिले से प्राप्त हुआ है पूछा जाए तो आपका कोरबा। देखिए कोयले से सरकार को सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है, और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किस जिले से होता है तो वो होता है कोरबा जिले से, तो कोरबा जिला ही सर्वाधिक खनिज राजस्व भी देगा। तो छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक खनिज राजस्व किस खनिज से प्राप्त हुआ है, कोयले से, और सर्वाधिक खनिज राजस्व किस जिले से प्राप्त हुआ है तो कोरबा जिले से, और छत्तीसगढ़ का देश में स्थान खनिज उत्पादन मूल्य के आधार पर 2nd स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में राज्यों की भागीदारी वित्तीय वर्ष 2021-22, ये आंकड़ा आप ये मत बोलिएगा कि इसमें 21-22 का सर बता रहा है, क्योंकि जो प्रशासनिक प्रतिवेदन जारी हुआ है छत्तीसगढ़ खनिज विभाग का, ठीक है, उस प्रशासनिक प्रतिवेदन में भी 21-22 के ही आंकड़े दिए गए हैं। अभी 22-23 या 23-24 के कोई भी लेटेस्ट डाटा नहीं आए हैं। अगर ये डाटा आता है तो उसको ही मैं आपको अपडेट कराऊंगा, लेकिन अभी आपका 21-22 का ही आंकड़ा दिया गया है। मिनरल्स रिसोर्स डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़, देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि छत्तीसगढ़ का देश में स्थान खनिज उत्पादन मूल्य के आधार पर 2रा है, तो ये वही चार्ट है। 1st नंबर पर है आपका उड़ीसा, जहां पर लगभग 58,550, ये जो मूल्य है, ये मूल्य है आपकी राशि करोड़ में है, ठीक है, 58,550.50 करोड़ रुपए के साथ उड़ीसा 1st नंबर पर है, जिसका परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 44.11%, यानी कि देश में उत्पादित कुल खनिज मूल्य का आपका 44.11% ये उत्पादित होता है उड़ीसा राज्य से। 2nd नंबर पर है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में लगभग 23,023.22 करोड़ राशि की यहाँ पर खनिजों का उत्पादन, इतने मूल्य के खनिज का उत्पादन होता है।
है, ठीक है। अगर बात करें देश में उत्पादित कुल खनिज मूल्य का 17.34%, अब देखो इसको लेके कंफ्यूज मत होना ना कि यहां पर सर ने आपका देखिए यहां पर भी 3-4 है और यहां पर भी 3-4 है। पिछले बार मैंने शायद 3-5 बताया था, पिछले साल देखिए पिछले साल भी ये आंकड़ा सेम बना हुआ था, तो कुछ स्टूडेंट आए थे कि सर आपने यहां पे 3-5 बताया, यहां पे 3-4 है। एक लास्ट का डिजिट अगर चेंज होता है ना उसको लेके हड़बड़ाया मत कीजिएगा, ठीक है। देश में उत्पादित कुल खनिज मूल्य का 17.34% हमारे छत्तीसगढ़ से होता है। देश में उत्पादित कुल खनिज मूल्य का 17.34% मूल्य का खनिज हमारे छत्तीसगढ़ से उत्पादित होता है। पहले नंबर पर है उड़ीसा, दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर है राजस्थान। टॉप 5 का नाम कम से कम याद रखिएगा। चौथे नंबर पर है कर्नाटक और पांचवें नंबर पर है झारखंड। देश में उत्पादित कुल खनिज मूल्य का के आधार पर, ठीक है, फर्स्ट में उड़ीसा, सेकंड में छत्तीसगढ़, थर्ड में राजस्थान, फोर्थ में कर्नाटक और फिफ्थ में है झारखंड, ठीक है। कितने मूल्य के खनिज का उत्पादन हो रहा है और कितना प्रतिशत हो रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का 17.34% के साथ देश में दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़, पहले स्थान पर है उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो डाटा दिया गया है राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में राज्यों की भागीदारी प्रतिशत, इसमें कोयला, प्राकृतिक गैस एवं गौण खनिजों को शामिल नहीं किया गया है, कोयला, प्राकृतिक गैस और गौण खनिजों को छोड़कर। देखिए यहाँ पर बनाया गया है आपका पाई डायग्राम, ठीक, पाई डायग्राम। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये ओवरऑल पूरे भारत में खनिज उत्पादन करने वाले राज्यों को एक पाई डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसमें सर्वाधिक भागीदारी है उड़ीसा राज्य की। 58,550.50 करोड़ मूल्य के यहाँ पे खनिज का उत्पादन होता है और 44.11% देश में उत्पादित कुल खनिज मूल्य का 44.11% उड़ीसा से उत्पादित होता है। सेकेंड पोजिशन पर है हमारा छत्तीसगढ़, 23,023.22 करोड़ मूल्य के खनिज का उत्पादन होता है। देश में उत्पादित कुल खनिज मूल्य का 17.34% हमारे छत्तीसगढ़ से उत्पादित होता है। थर्ड में राजस्थान, फोर्थ में कर्नाटक और फिर उसके आगे आप कंटिन्यू पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ खनिज उत्पादन। जैसे कि मैंने आपको बताया मुख्य खनिज और गौण खनिज, छत्तीसगढ़ के राजस्व आय में सर्वाधिक भागीदारी होती मुख्य खनिज की, और यानी कि 97% के आसपास, और 3% के आसपास की भागीदारी होती है गौण खनिज की। मुख्य खनिज क्या होता है और गौण खनिज क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। मुख्य खनिज, ऐसे खनिज जिनका भंडारण छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है, उत्पादन भी सर्वाधिक होता है और इससे सरकार को सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति होती है, तो ऐसे खनिजों को मुख्य खनिज कहा जाता है। गौण खनिज, ऐसे खनिज जिनका भंडारण छत्तीसगढ़ में सीमित मात्रा में है, उत्पादन छत्तीसगढ़ में सीमित मात्रा में होता है और इससे सरकार को बहुत कम खनिज राजस्व की प्राप्ति होती है, तो ऐसे खनिजों को गौण खनिज कहा जाता है। अब ये तो बात कर रहा हूं मैं छत्तीसगढ़ की, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जो खनिज हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्य खनिज है वो किसी अन्य राज्य का भी मुख्य खनिज होगा, या जो खनिज हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गौण खनिज है वो किसी अन्य राज्य का भी गौण खनिज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश राज्य हमारा छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है एक खनिज जिसका नाम है हीरा। हीरा, हीरे का भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में सीमित मात्रा में है, उत्पादन भी सीमित मात्रा में हो रहा है और इससे सरकार को बहुत कम खनिज राजस्व की प्राप्ति होती है, तो इस आधार पर हीरा यानी कि डायमंड हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौण खनिज है, ठीक है। इसके विपरीत हमारा पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मौजूद है आपका पन्ना माइंस, ठीक है, हीरा पन्ना के नाम से जानते हैं, पन्ना माइंस। हमारे भारत में सर्वाधिक आपके हीरा डायमंड का उत्पादन पन्ना माइंस से होता है, तो पन्ना माइंस में मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन, डायमंड का उत्पादन हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के लिए हीरा एक मुख्य खनिज है जिसका भंडारण सर्वाधिक है, उत्पादन सर्वाधिक हो रहा है और मध्य प्रदेश सरकार को उससे सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति हो रही है, तो हीरा मध्य प्रदेश राज्य के लिए मुख्य खनिज है जबकि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौण खनिज है।
दूसरा एग्जांपल अगर आपको दूं, गोल्ड यानी कि स्वर्ण, सोना। हमारे छत्तीसगढ़ में सोना का भंडारण सीमित मात्रा में है, उत्पादन सीमित मात्रा में होता है और इससे सरकार को बहुत कम खनिज राजस्व की प्राप्ति होती है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के लिए सोना यानी कि गोल्ड क्या है? गौड़ खनिज है। इसके विपरीत कर्नाटक, कर्नाटक का कोलार माइंस, पिक्चर देखे होंगे केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है, केजीएफ में दिखाया गया है आपका आपका सोना गोल्ड माइंस कोलार फील्ड, ठीक है। तो कर्नाटक में सोने का भंडारण सर्वाधिक है, उत्पादन सर्वाधिक हो रहा है, उससे कर्नाटक सरकार को सर्वाधिक आपके खनिज राजस्व की प्राप्ति हो रही है। तो कर्नाटक के लिए सोना आपका मुख्य खनिज है, छत्तीसगढ़ के लिए सोना क्या है? गौड़ खनिज है। तो यह है मुख्य खनिज और गौड़ खनिज में अंतर, जिससे सरकार को सर्वाधिक, जिसका भंडारण सर्वाधिक है, उत्पादन सर्वाधिक हो रहा है और सरकार को सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति हो रही है, तो मुख्य खनिज। ऐसे खनिज जिनका भंडारण सीमित है, उत्पादन सीमित मात्रा में हो रहा है और इसे सरकार को कम खनिज राजस्व की प्राप्ति हो रही है, तो ये क्या कहलाता है? आपका गौड़ खनिज कहलाता है। कोई भी एक खनिज हर किसी राज्य के लिए मुख्य खनिज होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है भंडारण, उत्पादन और खनिज राजस्व पर, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य खनिजों की अगर हम बात करें तो कोयला, ठीक है, कोयला, दूसरा लौह अयस्क, तीसरा चूना पत्थर, चौथा बॉक्साइट और पांचवा टीन, ये हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य खनिज है जिनका भंडारण भी सर्वाधिक है, उत्पादन भी सर्वाधिक होता है और इससे सरकार को सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति भी होती है। इधर आपके गौण खनिजों की सूची दी गई है, जैसे डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट, फायर क्ले, कोरंडम, ग्रेनाइट, चाइना क्ले, वाइट क्ले, पत्थर, फर्सी पत्थर, मुरुम, मिट्टी, रेत, ये सभी सभी क्या है? गौड़ खनिज है। एक बार का प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा एक मुख्य खनिज नहीं है, ऑप्शन में दिया गया था कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और इधर से दे दिया था डोलोमाइट। तो डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट गौड़ खनिज है। मुख्य खनिज पाँच है, कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट और टीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण खनिज संसाधन भंडारण इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2021 के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे खनिजों की सूची दी गई है, भंडारण की इकाई, भारत में कितना भंडारित है, छत्तीसगढ़ में कितना भंडारित है और भारत के कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत भंडारित है। अगर हम कोयले की बात करें तो कोयला हमारे छत्तीसगढ़ में आपका, एक मिनट, हमारे छत्तीसगढ़ में अगर कोयले की भंडारण की बात करें तो देखिए, ओवरऑल भारत में कोयले का भंडारण है आपका 352,126 मिलियन टन, छत्तीसगढ़ में भंडारण है 73,242 मिलियन टन। भारत में भंडारित कुल कोयले का लगभग 20.80% हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। देश में कोयले के कुल भंडारण का 20.80% भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है। सेकंड नंबर पर है लौह अयस्क। पूरे भारत भर में लौह अयस्क का भंडारण 24,058 मिलियन टन है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 4,592 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडारण है। देश में भंडारित कुल लौह अयस्क का 19.08% भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है, ये परसेंटेज में दिया गया आंकड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन। पूरे भारत भर में चूना पत्थर का भंडारण 227,589 मिलियन टन चूना पत्थर का भंडारण है। छत्तीसगढ़ में भंडारण है 13,211 मिलियन टन का। भारत में भंडारित कुल चूना पत्थर का 5.80% भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है। डोलोमाइट का भंडारण पूरे भारत भर में है 8,415 मिलियन टन का। छत्तीसगढ़ में भंडारण है 918 मिलियन टन का। देश में भंडारित कुल डोलोमाइट का 11% हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। बॉक्साइट की बात करें तो पूरे भारत भर में 4,958 मिलियन टन भंडारित है बॉक्साइट का। छत्तीसगढ़ में भंडारण है 993 मिलियन टन का। देश में भंडारित कुल बॉक्साइट का 20.02% बॉक्साइट हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। अगर हम बात करें टीन अयस्क का, तो टीन अयस्क का पूरा भारत भर में भंडारण 83.72 मिलियन टन है। छत्तीसगढ़ में भंडारण है 29.80 मिलियन टन। देश में भंडारित कुल टीन अयस्क का
35.60% ये आंकड़ा एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, 35.60% भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है। हीरा की अगर हम बात करें, हीरा जिसका भंडारण इकाई है मिलियन कैरेट, पूरे भारत भर में 31.72 मिलियन कैरेट हीरे का भंडारण है। छत्तीसगढ़ में मात्र 1.3 मिलियन कैरेट हीरे का भंडारण है। देश में भंडारित कुल आपके डायमंड यानी कि हीरे का 4.11% हमारे भारत में भंडारित है। अगर हम स्वर्ण धातु की बात करें, पूरे भारत भर में गोल्ड का भंडारण है 607.26 टन, जिसमें से छत्तीसगढ़ में भंडारण है 5.51 टन। यहाँ पे टन में है ना, मिलियन यहाँ पे मत कीजिएगा, टन में डाटा दिया गया है। भारत में भंडारित कुल लौह कुल आपके स्वर्ण गोल्ड का 0.90% भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट डाटा देखिए, इसमें से 3 अयस्क का कम से कम याद रखिएगा। नेक्स्ट है खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का GSDP में भागीदारी वितरण स्थिर कीमतों पर 2011-12। यहाँ पे पिछले 5-6 साल के डाटा दिए गए हैं। ये टेबल आपको पूरे याद होने चाहिए, क्योंकि इस टेबल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते गए हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम 23-24 का याद करेंगे तो हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का भी डाटा एग्जाम में पूछा गया है। तो खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और कितने प्रतिशत की भागीदारी रही किस किस वित्तीय वर्ष में, इसको आपको याद करना है। 2018-19 में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में 7.96% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि भागीदारी रही 11.38%। 19-20 में इसमें ऋणात्मक वृद्धि दर्ज किया गया, 2.18% की ऋणात्मक वृद्धि, जबकि भागीदारी रही 10.54%। 20-21 में 2.78% की वृद्धि दर्ज की गई, भागीदारी रही 10.72%। 21-22 में वृद्धि दर्ज की गई 4.28%, आपकी भागीदारी रही 10%। 22-23 में वृद्धि दर्ज किया गया 11.40%, भागीदारी रही 10.37%। 23-24 में आपकी वृद्धि दर्ज की गई 7.35% और भागीदारी रहा 10.52%। अगर आप इसमें देखेंगे तो सर्वाधिक वृद्धि किस वित्तीय वर्ष में दर्ज किया गया, 2022-23 में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया गया, और ऋणात्मक वृद्धि किस वित्तीय वर्ष में रहा, आपका वित्तीय वर्ष 2019-20 में ऋणात्मक रहा। तो मैक्सिमम वृद्धि किस वित्तीय वर्ष में रहा, इसे भी याद रखना, और मिनिमम वृद्धि किस वित्तीय वर्ष में रहा, इसे भी याद रखना। सर्वाधिक भागीदारी किस वित्तीय वर्ष में रहा, 2018-19 में सर्वाधिक भागीदारी रहा, और पिछले 6 सालों में सबसे कम भागीदारी रहा आपका 2021-22 में। ठीक है, इसको कंपेयर करते पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रमुख खनिज उत्पादन 2022-23 में। अगर हम बात करें वित्तीय वर्ष 2022-23 में हमारे छत्तीसगढ़ में कोयला, इससे पहले जो हमने इंडियन मिनरल्स ईयर बुक देखा वो भंडारण का था, ये उत्पादन का है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोयले का उत्पादन हुआ हमारे छत्तीसगढ़ में 1,84,630 टन का, ये हुआ आपके कोयले का उत्पादन। लौह अयस्क का उत्पादन 42,549 टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ। चूना पत्थर का उत्पादन 44,733 टन। बॉक्साइट का उत्पादन हुआ 1,056 टन और टीन का उत्पादन रहा 45,429 किलोग्राम। ठीक है, ये है आपका प्रमुख खनिज का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में। ये हमारे प्रदेश के कुछ प्रमुख खनिज है, उनका उत्पादन का भी आंकड़ा एक बार देख लेना, वैसे इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है। खनिज उत्पादन में भागीदारी देखिए, जो अलग अलग खनिज जो उत्पादित हुए हैं, खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में भागीदारी दिया गया है। तो कोयले का भागीदारी है, देश में उत्पादित कुल कोयले का 19.76% हमारे छत्तीसगढ़ से उत्पादित हुआ है। लौह अयस्क, देश में उत्पादित कुल लौह अयस्क का 15.90% हमारे छत्तीसगढ़ से उत्पादित हुआ है। चूना पत्थर, देश में उत्पादित कुल आपके चूना पत्थर का 11.08% हमारे छत्तीसगढ़ का योगदान है उत्पादन में। बॉक्साइट, भारत में उत्पादित कुल बॉक्साइट का 4.43% उत्पादन हमारे भारत से हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ से हुआ है। टीन के उत्पादन के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में एकमात्र राज्य है।
भारत में अन्य स्थान जैसे कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान में भी टीन का भंडारण है, लेकिन किसी अन्य राज्य में अब तक टीन का उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है। पूरे के पूरे भारत भर में टीन का एकमात्र प्रोड्यूसर स्टेट उत्पादित राज्य है कौन सा? छत्तीसगढ़। इसलिए टीन के उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ ये है 100%। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका खनिज राजस्व में अग्रणी जिले। कोयला, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपके कोरबा जिले से। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है दंतेवाड़ा जिले से। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है बलौदाबाजार जिले से। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है बलरामपुर जिले से। टीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है सुकमा जिले से। और अगर ओवरऑल बात किया जाए छत्तीसगढ़ में जो मुख्य और गौड़ खनिज, मुख्य खनिज यानी कि आपका कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट और टीन, ये मुख्य खनिज हो गए। गौड़ खनिज, गौड़ खनिज की भी सूची दिखाया था मैंने आपको, आपका रेत, मुरुम, फर्सी पत्थर, क्वार्ट्जाइट, कोरंडम, ये सभी क्या है? ये सभी गौड़ खनिज है। तो ओवरऑल बात किया जाए मुख्य खनिज और गौड़ खनिज के मामले में, तो ओवरऑल खनिज उत्पादन सर्वाधिक होता है आपके दंतेवाड़ा से। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कोरबा जिला, सभी को पता है, बेलर जिला की पहाड़ी दंतेवाड़ा जहाँ पे सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन होता है। चूना पत्थर जो कि कच्चा माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है आपके सीमेंट उद्योग में, ठीक है, सीमेंट उद्योग में कच्चा रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग में लाया जाता है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर से बनता है आपका सीमेंट, तो चूना पत्थर का और सर्वाधिक सीमेंट कारखाने कहाँ है? छत्तीसगढ़ में आपके बलौदाबाजार में। क्यों? क्योंकि वहीं पर चूना पत्थर का भंडारण सर्वाधिक है। बॉक्साइट का भंडारण बलरामपुर सरगुजा डिवीजन और आपका टीन का उत्पादन में सुकमा। अब देखिए ये ओवरऑल ये जो पाई डायग्राम बता रहा है कि जो मुख्य खनिज व गौड़ खनिज से राजस्व आए वर्ष 2022-23 में, तो जो मुख्य खनिज है जैसे कि कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट और टीन, इससे लगभग 97% रेवेन्यू खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। और मात्र ये जो इतना सा हिस्सा है 3% ये गौड़ खनिज का भागीदारी है खनिज राजस्व आय में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है खनिज, मुख्य खनिज राजस्व के आधार पर क्रम। ठीक है, मैक्सिमम टू मिनिमम, इससे तो वैसे बहुत कम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ध्यान देना जो आपके खनिज है खनिज से कितना राजस्व प्राप्त होता है, यानी कि सर्वाधिक राजस्व किस खनिज से प्राप्त होता है, वो घटते क्रम में है। सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त होता है आपके कोयले से, इसमें जो राशि दिया गया है लाख रुपए में, जैसे कि ये है आपका 4,24,573 लाख रुपए, ये कोयले से प्राप्त होता है। उसके बाद फिर आपके सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त होता है लौह अयस्क से, लगभग 3,60,820 लाख रुपए, चूना पत्थर से 39,153 लाख रुपए, बॉक्साइट से 3,099 लाख रुपए, टीन से जो है आपका 35.38 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है आपके राजस्व के रूप में। अगर हम रॉयल्टी दर की बात करें तो मई 2022 से प्रभावशाली है आपका ये रॉयल्टी दर। रॉयल्टी दर यानी कि मान लीजिए कि कोई आपकी जो खनिज भंडारित क्षेत्र है उसे किसी दूसरी कंपनी को, बाहरी कंपनी को, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकृत नहीं है, चाहे वो निजी सेक्टर की हो या केंद्र सरकार की अधिकृत कंपनी हो, अगर वो छत्तीसगढ़ के भूमि में आकर के किसी खनिज का उत्खनन कर रही है तो उस खनिज के उत्खनन करने के एवज में राज्य शासन को रॉयल्टी देना पड़ता है, एक परसेंटेज अमाउंट प्रदेश सरकार को प्रदान करना होता है। जैसे आयरन ओर, आयरन ओर में 15% विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि जितने मूल्य का आपका लौह अयस्क का उत्पादन किया गया उस मूल्य का 15% रॉयल्टी के रूप में प्रदेश सरकार को देना होगा। कोयले में है 14% विक्रय मूल्य का। बॉक्साइट में अगर धातु कर्मी है, यानी कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दो चलता है, धातु कर्मी है तो 0.60% और गैर धातु कर्मी है तो 25%। डोलोमाइट में 90 रुपये प्रति टन और चूना पत्थर भी 90 रुपये प्रति टन। टीन जो है 7.5 विक्रय मूल्य, ये रॉयल्टी दर प्रदान करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम का गठन हुआ आपका 7 जून 2001 को। इस छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अंतर्गत कुल 5 परियोजनाएं संचालित है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना संचालित नहीं है। तो संचालित कौन कौन सी है? एक कोयले का कोल परियोजना, लौह अयस्क का लौह अयस्क परियोजना, बॉक्साइट का बॉक्साइट परियोजना, कोरंडम का कोरंडम परियोजना और एक टीन अयस्क का कैसेटराइट परियोजना। एक बार का प्रश्न पूछा गया था कि आपके छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अंतर्गत कुल कितनी परियोजनाएं संचालित है? 5 परियोजना।
इसमें से कोल, लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोरंडम और कैसेटराइट। अगर बीच में चूना पत्थर दे दिया तो चूना पत्थर परियोजना संचालित नहीं है, केवल ये 5 परियोजना ही संचालित है। कोयला परियोजना के अंतर्गत कुल 1 खनिज पट्टी स्वीकृत है, यानी कि कोरबा जिले का केरवा कोल लिमिटेड, जो कि CMDC के आपके परियोजना के अंतर्गत उत्खनन होता है। लौह अयस्क के अंतर्गत 2 खनिज पट्टी स्वीकृत है, एक दोनों के दोनों आपके बैलाडीला लौह अयस्क, बैलाडीला की पहाड़ी में निक्षेप 13 और निक्षेप 4। अगर हम बॉक्साइट परियोजना की बात करें तो टोटल 10 खनिज पट्टी स्वीकृत है, यानी कि खनिज पट्टी को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जो उत्खनन क्षेत्र माइंस, ठीक है, जहाँ पे उत्खनन होता है उसको खनिज पट्टी कहा जाता है। तो 1 माइंस, 2 माइंस, 5 माइंस ऐसे अलॉट किए जाते हैं। सरगुजा में जो है 6 खनिज पट्टी, कबीरधाम में 2, बलरामपुर में 1 और जशपुर में 1 माइंस जो है अलॉट किया गया है। कोरंडम में 3 खनिज पट्टी स्वीकृत है, तीनों के तीनों कुचनूर की पहाड़ी बीजापुर में अलॉटेड है। कैसेटराइट 3 अयस्क के 14 खनिज पट्टी सभी जगदलपुर बस्तर में स्थित है, जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है, LOC कार्यवाही विचाराधीन है। इसके अलावा ग्राम छाता पडरिया, तहसील जयजयपुर, जिला जांजगीर चांपा में स्थित खनिज डोलोमाइट धारित क्षेत्र CMDC के पक्ष में आरक्षित किया गया है। यहाँ पे अभी उत्खनन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन इनके पक्ष में आरक्षित किया गया है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि छाता पंडरिया में किस खनिज का भंडारण है, तो डोलोमाइट खनिज का भंडारण है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में किस एक खनिज का भंडारण नहीं है, तो उसमें आंसर लिया जाता था कॉपर, ठीक है, यानी कि तांबा। लेकिन ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में तांबा का भी भंडारण है। ये पहले के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जब 2014-15 में एग्जाम में क्वेश्चन आता था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किसी खनिज का भंडारण नहीं है, आंसर लेता है तांबा। लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम 2024 की, छत्तीसगढ़ में तांबा की पुष्टि भी हो चुकी है और जल्द ही उत्खनन भी प्रारंभ होगा। छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड की स्थापना इसी परिप्रेक्ष्य में किया गया है। छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई 21 मई 2008 को। इसका मुख्यालय है भिलाई, सेक्टर 5, जिला दुर्ग। हर किसी का मुख्यालय रायपुर नहीं होता, याद रखना। छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय है दुर्ग जिले के भिलाई का सेक्टर 5। इसे जो छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड है, इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम यानी कि CMDC और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड, जिसमें 76% भागीदारी, सर्वाधिक भागीदारी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की, जबकि 24% भागीदारी है CMDC की। प्रस्तावित छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत कॉपर खनिज की खोज हेतु हिदर और बोदल दो क्षेत्रों को JV कंपनी के नाम पर आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में डूमर टोला, हीदर तथा बोदल क्षेत्र में कॉपर के भंडारण क्षेत्र अनुमानित है, यानी कि डूमर टोला, हीदर और बोदल ये राजनांदगांव जिले में स्थित कॉपर भंडारित क्षेत्र है, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने प्रदेश के 3 जिले राजनांदगांव, सरगुजा और बस्तर में कॉपर खदान होने की जानकारी दी है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डायमंड परियोजना। इसकी जो कंपनी है डायमंड परियोजना की, वो है NCL, NMDC और CMDC, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि लौह अयस्क का उत्खनन करती है। CMDC छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकृत है। दोनों का संयुक्त उपक्रम है NCL, NMDC, CMDC लिमिटेड। खनन प्रक्रिया बलोदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक, जो कि आपके महासमुंद जिले के सरायपाली के अंतर्गत आता है, यहाँ पे खनन प्रक्रिया स्वीकृत है NCL, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एवं छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मध्य गठित एक संयुक्त उपक्रम है, जो कि बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक महासमुंद में डायमंड का उत्खनन करेगी, डायमंड परियोजना, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, छत्तीसगढ़ में जिलेवार खनिज का भंडारण। यहाँ पे तो मैं एक एक आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जिले का नाम और उस जिले में सर्वाधिक किस खनिज का भंडारण है उसकी एक सूची दी गई है, जिसे आप रीड कर सकते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के बुक में भी दिया गया है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे की बुक में दिया गया है, इसे आप रीड कर सकते हैं कि किस जिले में किस किस खनिज का भंडारण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है
कोयला सांख्यिकी 2022-23। ये आंकड़ा आपको गवर्नमेंट के इकोनॉमिक छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे में नहीं मिलेगा, यह आंकड़ा मैंने कहीं और से उठाया, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत से आपके इंडियन जीएस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देश के प्रमुख कोयला उत्पादित राज्य, ध्यान देना, देश के प्रमुख कोयला उत्पादित राज्य कौन कौन से है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये देश के प्रमुख कोयला उत्पादित राज्य है। वित्तीय वर्ष 2021-22 और 22-23 में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन क्रमशः आपका 778.21 मिलियन टन और 893.19 मिलियन टन रहा, यानी कि यहाँ पे दो साल की बात हो रही है। 2021-22 में 778.21 मिलियन टन और 2022-23 में 893.19 मिलियन टन ये कोयले का उत्पादन रहा अखिल भारतीय स्तर पर। ठीक, जो कोल इंडिया है ये कोयला उत्खनन करने वाली कंपनी है। कोल इंडिया अपने सहायक कंपनी की सहायता से कोयले का उत्खनन करती है। देखिए यहाँ पर कोल इंडिया की सहायक कंपनी सब्सिडियरी कंपनी की सूची दी गई है, जैसे कि आपका ECL ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि पश्चिम बंगाल के डिसरगढ़ सेक्टोरिया, आपके डिसरगढ़ सेक्टोरिया में इसका मुख्यालय स्थित है, यानी ये पश्चिम बंगाल में कोयले का उत्खनन करती है। एक है BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जो कि झारखंड धनबाद इसका मुख्यालय है, झारखंड वाले क्षेत्र में कोयले का उत्खनन करती है। आपकी CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है झारखंड रांची, झारखंड वाले क्षेत्र में कोयले का उत्खनन करती है। WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है नागपुर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कोयले का उत्खनन करती है। SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है बिलासपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्खनन करने वाली कंपनी है आपका SECL, इसके नाम से आप परिचित है। NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है सिंगरौली, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कोयले का उत्खनन करती है। और एक है MCL महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है संबलपुर, ओडिशा, जो कि आपके ओडिशा वाले क्षेत्र में कोयले का उत्खनन करती है। इंडियन जीएस में क्वेश्चन आपको दे देगा किसी एक कोल इंडिया की सहायक कंपनी का नाम दे देगा, इसका मुख्यालय कहां है या ये किस आपके राज्य में कोयले का उत्खनन करती है। तो इन आपकी जो सात जो कंपनियां हैं, सहायक कंपनियां हैं कोल इंडिया की, उसमें से वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसकी ओवरऑल रैंकिंग दी गई है कोयला उत्पादन के मामले में। सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किया गया है MCL महानदी कोलफील्ड लिमिटेड उड़ीसा के द्वारा। सेकंड नंबर पर सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किया है हमारे छत्तीसगढ़ के SECL ने, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने। थर्ड नंबर पर है NCL मध्य प्रदेश, फोर्थ नंबर पर है CCL झारखंड, फिफ्थ में है आपका WCL, सिक्स में है BCCL और सेवेंथ नंबर पर है ECL। तो सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किस कोल इंडिया की किस सहायक कंपनी ने किया? तो MCL महानदी कोलफील्ड लिमिटेड उड़ीसा, सेकेंड नंबर पर था हमारा छत्तीसगढ़ का SECL। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य 2022-23। ठीक है, उत्पादन मिलियन टन में पहले नंबर पर आपका उड़ीसा। देखिए यहाँ पे कोकिंग और गैर कोकिंग, अब ये कोकिंग गैर कोकिंग क्या होता है ये आपका छत्तीसगढ़ जीएस का पार्ट है, यहाँ पर बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। कोकिंग, गैर कोकिंग और ओवरऑल आप ऐसे कीजिए, कोयला उत्पादित राज्य और कुल कितने कोयले का उत्पादन हुआ उस राज्य से, ये कोल इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर है। जैसे कि उड़ीसा, भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन उड़ीसा राज्य से हुआ। उत्पादन जो है ये किस में दिया गया है? मिलियन टन में, 218.981 मिलियन टन। सेकेंड नंबर पर सर्वाधिक कोयला उत्पादित राज्य है हमारा छत्तीसगढ़, जहाँ पे 184.895 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ। थर्ड नंबर पर है झारखंड, जहाँ पे 156.445 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ। आप टॉप थ्री स्टेट के नाम को कम से कम याद रखिएगा कोयला उत्पादित राज्यों में कोल इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, तो ये था आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण अध्याय 9। ठीक है, अध्याय 9 जिसमें हमने खनिज संसाधन से रिलेटेड टॉपिक पढ़े हैं, इसे कवर कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।